मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करते ही वहां की स्त्रियों ने चंद्रा को देखा, बड़ी सुंदर स्त्री है, कहाँ से आई है, पूछा कौन है तू, क्या परिचय है तेरा। तो चंद्रा बड़ी चतुर है, कहती है नहीं सधवा, नहीं विधवा, नहीं हतबंधवा, नहीं अधवा, नहीं रानी, नहीं राजकन्या, मैं तो एक राजकन्या की दासी हूँ, उस राजकन्या की जिसके रूप की तुलना नहीं है, जिसके गुणों से त्रिभुवन जयी है, पर जिसे एक व्याधि हो गई है। चंद्रा कहती है कि मैं एक राजकन्या की दासी हूं और उस राजकन्या को एक बीमारी हो गई है, उस व्याधि की औषधि यही है और आने का कारण यही है, दवाई यही मिलेगी। तो मथुरा की महिला ने कहा, तू जो चाहती औषधि वह है किसके पास। तो चंद्रा कहती है जो है नए भूपति मथुरा के उनके पास। मथुरा की महिला कहती हमारे महाराज तो नहीं कविराज, उनके पास औषधि का क्या काज, वो कोई डॉक्टर थोड़ी जो उनके पास औषधि होगी। तो चंद्रा कहती है कविराज नहीं तुम्हारे महाराज यदि, तो कैसे पीठ कुबजा की सीधी की। अगर औषधि नहीं होती उनके पास तो कुबजा की पीठ सीधी कैसे करते। महिला बोली अरे हाँ ठीक तो कहती है, तू जा उन्हीं के पास। और चल पड़ी चंद्रा, आ गई मथुरा के महल में। सामने कृष्ण विराजमान है, सामने ही तो कृष्ण विराजमान है, सभासद कोई नहीं है, पर सहसा सम्मुख जाना ठीक नहीं है, पहले मन का भाव जान लूं, उच्च स्वर से राधा नाम लूं, देखूं क्या भाव उद्वित होता है या नहीं। तो चंद्रा वहां खड़ी खड़ी जोर जोर से राधा 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 पुकारने लगी। जैसे राधा नाम सुना श्री ठाकुर जी सिंहासन से एकदम अचंभित हो गए, आह कहां से फूटा ये मधुर स्वर, जैसे आकाश से अमृत का निर्झर। राधा नाम के दो वर्ण, पर पी सकते कितना रस मेरे केवल दो कर्ण, राधा रस इतना गाद मेरे कान बस दो। तभी चंद्रा को लगा कि चलो ठीक है, आशा की फूटी किरण है, स्पष्ट संकेत है कि राधा के चरणार विंद से मधुसूदन अभी भी रहा लिपट, अभी भी याद तो है इसे। राधा नाम सुनते एकदम भोचंका हो गया। तब कृष्ण ने पूछा योगिनी क्या नाम है तेरा, कहाँ रहती हो। तो चंद्रा कहती है काश दे सकती यथोचित अपना परिचय, काश मैं अपना परिचय दे पाती, याद कुछ भी नहीं आता इस समय, न जाने कौन हूं मैं, क्या है नाम, कहाँ से आई हूँ, क्या है काम, आते ही यहाँ सब कुछ भूल गई हूँ, जान केवल इतना रही हूँ कि यहाँ खड़ी हूँ, कुछ याद नहीं मुझे। ठाकुर जी ने कहा यहाँ आके सब भूल गई हूँ, ये तुम क्या कह रही हो, क्या यह संभव है कभी कि एक स्थान से दूसरे को जाए, नाम ग्राम सब भूल जाए, क्या ऐसा संभव है। तो चंद्रा मुस्कुराती कहती है संभव तो नहीं महाराज, पर मथुरा की है ही कुछ ऐसी बात, यहां आकर सब भूल जाते पहले की बात। टोंट मार रही है, ठाकुर जी को कह रही है कि क्या बताएं, मथुरा की रीति है, यहां आके सब भूल जाते, मैं भी भूल गई। कृष्ण कहते अच्छा योगिनी जाने भी दे ये बात, पूछूं एक और बात। हाँ पूछिए महाराज, तू जो रटती राधा का नाम, बता पाया कहाँ ये रसमय नाम। चंद्रा कहती है सुनिए महाराज, राधा नाम है मंत्र राज, गुरु ने दिया यह मंत्र, पाकर इसे हुई स्वतंत्र, जी चाहे सो करती रहती, पर मंत्र सदा ये जपती रहती। अच्छा मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बता जो चाहे सो मांग ले, जो जो तू मांगेगी मैं दूंगा। तो कहती है ना रजत ना कंचन ना कुछ और धन, यदि प्रसन्न है आप तो करो कुछ निवेदन। हाँ हाँ सखी बोल, कहो जो भी कहना है। तब कहती है हे कृष्ण, एक है हमारी युथेश्वरी,
किया उसने बहुत जतन और क्रय किया एक बहुमूल्य रत्न। मतलब हमारी एक रानी है जिसने बड़ी मेहनत करके एक बड़ा मूल्यवान रत्न खरीदा, लेकिन हुआ क्या, क्रूर एक कंसचर जाके ले आया उसे लूट कर। कंस का एक क्रूर जाकर के उसे लूट कर ले आया। रत्न बिना वह हुई उन्मादनी, जैसे हो जाता नाग खोकर अपनी मनी। ऐसे बावरी हो रही है, क्या आप करेंगे विचार और दिला देंगे उस दुखिया को उसकी मणि और उसके गले का हार? क्या है आपकी सामर्थ्य? कृष्ण का क्यों नहीं, यदि है प्रणाम उपयुक्त तो अभी पकड़ा जाएगा अभियुक्त, चोर को अभी पकड़ लिया जाएगा अगर प्रमाण है तो। चंद्रा कहती प्रमाण तो बहुत है, पर चोर जानना चाहोगे कौन है? बोले कौन है, वह है नामी चोर अनेक जन्म का। पहले करता चोरी छोटी छोटी माखन और मिश्री की, फिर करने लगा चोरी मणि माणिक्यों की। वह तो रमणी भोली भाली, उसे बहला फुसला कर मीठी मीठी बातें कर उससे गुप्त धन का कर्ज लिया। ऋण ना चुका सकने पर अपने आप को बंधक रख एक कागज लिख उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर विश्वासघात कर आया यहाँ भाग कर, वह है अभी यहीं और कहीं दूर नहीं, इसी स्थान पर। कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, उसका सब कुछ बेचकर ऋण परिशोध कर लो, उस चोर का सब बेचकर ऋण वापस ले लो। चंद्रा कहती है पर उसका सब कुछ बेचकर भी अगर ऋण परिशोध ना हो तब? तो कृष्ण कहते तब मैं राजाधिराज मथुराधिराज कृष्ण आज्ञा देता हूं, बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ, बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ, जो आज्ञा महाराज जो आज्ञा महाराज। लेकिन अगर वो हो यदि किसी राज परिवार का तो? कृष्ण ने कहा अबोधनी राज अज्ञा बलवती होती है, राजा परिवार का क्या, स्वयं राजा भी है तो भी उसे बांधना।